उधर राहुल गांधी लगातार चीन पर भारी पड़ती केंद्र सरकार पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। उन्होंने 24 घंटे के भीतर दूसरी बार चीन के मुद्दे पर सियासत करने की कोशिश की, जिस मुद्दे पर पूरे देश को एकजुट नजर आना चाहिए था, उस पर राहुल चीन का पक्ष लेते नजर आए। मुझे इंडियन आर्मी पे भरोसा है, एयरफोर्स पे भरोसा है, नेवी पे भरोसा है, हिंदुस्तान की जनता पे भरोसा है। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी इस देश की रक्षा करने की है। प्रधानमंत्री ने वो जिम्मेदारी निभाई नहीं है। हमारी जमीन उन्होंने चाइना को दी है। राहुल के बयान पर गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने पलटवार किया। जी किशन रेड्डी ने राहुल गांधी को देशभक्ति का पर नसीहत देते हुए कहा कि राहुल को पता होना चाहिए चीन को किसकी सरकार के समय जमीन दी गई थी। कायर का ये सेट कोर्ट टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर, राहुल गांधी ये सेट कौन भारत का जमीन चीन को दिया है, उनका दादा से जाके बात करने के लिए बोलना जवाहरलाल नेहरू साहब से, उन्हें मालूम पड़ता। वो कायर कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, कौन कायर है, कौन देशभक्ति है, सभी देश की जनता को मालूम सर फिंगर। और अब बात उत्तराखंड के चमोली की। उत्तराखंड के चमोली में 7 फरवरी को जोशीमठ के पास ग्लेशियर टूटने के बाद आई तबाही की वजह से धौली गंगा नदी में बने कई पुल बह गए। न्यूज 18 की टीम ने हेलीकॉप्टर के जरिए इस तबाही से हुए नुकसान की जानकारी जुटाई। जिन गांव से कनेक्टिविटी टूट चुकी है वहां पर लगातार प्रशासन की तरफ से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। ये देखिए हेलीकॉप्टर की मदद से ये तमाम जो राहत सामग्री है वो उन गांवों तक पहुंचाई जा रही है, और लगातार इसी तरीके से जिन लोगों को परेशानी है उनको भी इस तरफ से उस तरफ ले जाना हो या उस तरफ से इस तरफ लाना हो हेलीकॉप्टर की मदद से ये काम किया जा रहा है। आज हम न्यूज़ 18 इंडिया पर आपको दिखाएंगे उन गांवों की तस्वीर जो पूरी तरह से कट चुके हैं, और आज हम भी हेलीकॉप्टर की मदद से उन गांवों तक पहुंचेंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है लगातार राहत सामग्री जो है पहुंचाई जा रही है। तो इस वक्त हेलीकॉप्टर के जरिए हम उन जगहों पर जाने की कोशिश रहे हैं और ग्राउंड जीरो की तस्वीर आपको दिखाएंगे कि आखिर कैसे जो है तमाम राहत सामग्री और लोगों को एक तरफ से दूसरी तरफ लाने का काम कैसे किया जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएंगे कि ऊपर से आपको वो पूरी वैली दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरीके से ये तबाही का मंजर जो है उन लोगों ने देखा और किस तरीके से इस पूरे इलाके में जोशीमठ इलाके में तबाही हुई है। अपने कैमरा पर्सन विपिन पुजारी से कहूंगा कि देखिए ये तमाम वो इलाके हैं जो कि जोशीमठ और तपोवन में आते हैं। नीचे आपको टनल का वो एरिया दिख रहा है जहाँ पर लगातार रेस्क्यू का काम चल रहा है। आप देखिए नीचे तस्वीरें, ये टनल का काम जहाँ पर रेस्क्यू का काम चल रहा है वो तस्वीर आपको दिख रही है। उसके आसपास ढाक गांव है, रेणी गांव है, वो तमाम गांव आपको दिख रहे हैं जिन्होंने पूरे जो सैलाब आया था उसकी तस्वीरें बहुत करीब से देखी थी। तो ये पूरी की पूरी वैली जो है इसमें ये सैलाब आया था। सामने आपको नदी दिख रही है, ये धौली गंगा नदी है जो कि सामने से आपको आती हुई नज़र आ रही है। धौली गंगा नदी, ऋषि गंगा नदी, और यहाँ पर 2 पावर प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था और इस पूरी की पूरी वैली में तबाही जो है लोगों ने देखी है। आप तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, ऊपर से एरियल शॉट आपको दिखा रहे हैं हेलीकॉप्टर की मदद से कि किस तरीके से जो है ये गांव प्रभावित हुए हैं। ये तमाम गांव आप देख रहे हैं, करीबन 7 से 8 गांव ऐसे हैं जहां पर कनेक्टिविटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। इन गांव को जोड़ने के लिए जो एक टेम्प्रेरी ब्रिज है वो बनाया जा रहा है, लेकिन ये जो गाँव हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से कट चुके हैं। वो जो गांव हैं जो डिस्कनेक्ट हुए हैं वहां तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। इस वक्त हम उन्हीं गांव तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और वहां दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर वहां लोग कैसे परेशानी झेल रहे हैं, कैसे उनको परेशानी हो रही है। एक गांव इस तरफ भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए ये कौन सा गाँव है सर? जुआघाट, ये जुआघाट गाँव है, ये भी कट चुका है। तो ये तमाम वो गाँव हैं जो वैली के दोनों तरफ पड़ते हैं, वो दोनों गाँव जो है वो कट चुके हैं। ग्लेशियर टूटने से मची तबाही की मार चमोली के कई गांवों पर पड़ी है। कई गांवों का संपर्क दूसरी जगहों से कट गया। न्यूज 18 की टीम हेलीकॉप्टर के जरिए उन इलाकों में पहुंची जो तबाही की मार झेल रहे हैं। 100 परिवारों का ये गांव है, काफी बड़ा गांव माना जाता है इलाके का, और यहां पर जो है वो देखिए किस तरीके से अब राहत सामग्री पहुंच चुकी है और ये राहत सामग्री इस तरीके से गांव-गांव तक पहुंचाई जाती है। तो यहां से अब हम उन गांव की तरफ चलेंगे, उन परिवार वालों के पास चलेंगे जो कि पूरी तरह से इस वक्त डिस्कनेक्ट हो चुके हैं क्योंकि ब्रिज टूट चुका है। तो ये वो इलाका है जहाँ पर न्यूज़ 18 इंडिया आपको लेकर आया है और ये दिखाने की लगातार कोशिश करेंगे कि यहाँ पर लोग किस तरीके से परेशानी झेल रहे हैं और यहाँ पर किस तरीके से लगातार जो है वो राहत सामग्री पहुँचाई जा रही है। ये देखिए जिन लोगों को उन इलाकों में जाना था जो इलाके पूरी तरह से कट चुके हैं या यहाँ से बाहर जाना था जो यहाँ फंसे हुए थे, वो लोग अब देखिए किस तरीके से हेलीकॉप्टर की मदद से अब वो बाहर निकाले जा रहे हैं। तो लगातार राहत सामग्री के साथ साथ उन लोगों को भी निकाला जा रहा है जो लोग फंसे हुए हैं
जो लोगों को जरूरत है, मेडिकल एड की जरूरत है, तो अब हम लाता गांव की तरफ आगे बढ़ते हैं और वहां लोगों से आपकी मुलाकात करवाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या तबाही का मंजर उस वक्त रहा होगा जो इन गांव वालों ने झेला है और अब कितनी परेशानी इनको झेलनी पड़ रही है। इस वक्त दो सहयोगी साथ हैं हमारे, दीपक रावत लाता गांव चमोली से, जहां पर देखिए किस तरीके से वहां सामान राशन पहुंच रहा है लोगों की मदद के लिए। वहीं दीपक बिष्ट तपोवन चमोली में हमारे साथ मौजूद हैं। जल्दी से पहले दीपक बिष्ट का रुख कर लेते हैं। दीपक, आप तपोवन में हैं, वहां पर जरा स्थिति दिखाई, क्योंकि 150 लोग अभी भी लापता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा उस जगह को जहाँ पर सबसे पहले आज का जो अपडेट मैं दे दूं वो ये कि ITBP और सेना को यहाँ से हटाया गया है, यानी उनको स्टैंड बाई में रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर जो टनल के पास काम चल रहा है यहाँ पर आपको सिर्फ NDRF दिखाई देगी और SDRF की टीमें हैं, क्योंकि इनको यहाँ पर इसे रखा गया है ताकि ये NTPC के अधिकारियों की देख रेख में उस टनल के अंदर जाने की कोशिश करें। लगभग 105 मीटर जो टनल का अंदर का रास्ता है वहाँ पर तक 105 मीटर तक मलबा बाहर निकाला जा चुका है और रात दिन अब यहाँ पर जो डंपर्स हैं, जो ट्रक हैं, उनको अंदर ले जाने की कवायद शुरू हो गई है, यानी युद्ध स्तर पर काम जो है तेज़ी से बढ़ा है, क्योंकि अभी भी कई लगभग 185 मीटर का रूट जो है वो और तय अंदर करना है। मलबा है काफ़ी, जो अंदर लोग फंसे हुए हैं उनको बचाने की कवायद यहाँ पर है, क्योंकि 27 से 30 लोग एक जगह पर हैं, एक जंक्शन है, वहाँ पर उन लोगों को निकालने की कवायद है। NDRF ने कई दूसरे रास्ते भी देखे हैं जहाँ पर NDRF की टीमें जो हैं वो अंदर जाएंगी और कोशिश कर रही हैं कि ठीक है। जरा आप रहिए साथ, जल्दी से दीपक रावत का भी रुख कर लेते हैं, लाता गांव में वहाँ मौजूद हैं। दीपक, जरा वहाँ पर स्थिति दिखा दीजिए, जो लोग फंसे हैं क्या उनको वहाँ से निकालने की कोशिश भी हो रही है या अभी उन तक सिर्फ जरूरी सामान पहुँचाए जा रहे हैं? अर्पिता, लगातार जो राहत सामग्री है वो पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और इस जगह पर, जिस जगह पर मैं मौजूद हूं, ये वो गांव हैं जो कि फिलहाल के लिए दुनिया से कटे हुए हैं, क्योंकि जो एकमात्र ब्रिज था वो खत्म हो चुका है, टूट चुका है। टेम्परेरी ब्रिज वहां पर बनाया जा रहा है, लेकिन यहां किस तरीके से देखिए लोग लगातार राशन लेने के लिए पहुँच रहे हैं, क्योंकि यहाँ से भी इनको कई किलोमीटर ऊपर से नीचे आना पड़ता है। तो ये आप देखिए कि लगातार जो लोग हैं वो अपना नाम लिखवा रहे हैं, राहत सामग्री ले रहे हैं और उनका कहना है कि कुछ और सुविधाएं भी होनी चाहिए, क्योंकि परेशानी लगातार झेलनी पड़ रही, क्योंकि सड़क जो है से टूट चुकी है, तो परेशानी बढ़ रही है आप लोगों की। आप कह रहे हैं दवाई नहीं मिल रही है? नहीं, दवाई नहीं मिल रही, नहीं मिली साथ दवाई। अच्छा, और क्या दिक्कत हो रही है? स्कूल आने की, दाने की दिक्कत, आने जाने की दिक्कत। तो खासतौर पर जो बीमार आदमी उसको कैसे ले जा रहे हैं? कैसे ले जाएंगे, घर ही में आने जाने की दिक्कत हो रही है। अच्छा, तो राशन पहुंच रहा है आप तक? हाँ, राशन पहुंच रहा है। आप बताइए क्या परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी। ठीक है दीपक, आप नजर बनाए रखिए, यानी